हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल। एंड आज हम एक छोटा सा केस करेंगे। तो एक मिडल एज लेडी का केस है जिसको मेंसेस उसके स्टॉप हो चुके थे, और वो मेरे पास जब आई तो मुझे ये तो पता चल गया था कि इतनी डीप पैथोलॉजी है, मेंसेस बंद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये परेशान है। और मैंने बहुत बार प्रॉप करने की कोशिश की, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं। बहुत माइल्ड थी, सॉफ्टली स्पोकन थी और हस्बैंड के साथ आई थी। तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा आप का क्या रूटीन रहता था, आप कैसे आपका दिनचर्या रहती है और ये सब, तो उन्होंने बताया कि शी वॉज़ वर्किंग लेडी एंड शी वॉज़ वर्किंग इन अ बैंक, बट बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते थे और घर में भी सारा काम रहता था, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो इन लॉज को टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता है। सो दैट्स वाई शी डिसकंटिन्यूड हर जॉब। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जॉब क्यों छोड़ा, मतलब आप कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते ना, कि आप साथ में हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, तो आपकी मदर इन लॉ टेक केयर कर लेती और आप जब घर पे आते हैं तो मैनेज कर लेते होंगे। तो बोलते कि नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, वो मदर इन लॉ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। और फिर उन्होंने तो वो चुप हो गई। फिर बोलते बोलते उनके हस्बैंड साथ में बैठे थे, फिर उनके हस्बैंड ने बोला कि ये बोल ही नहीं पाती है, मतलब यही मेन दिक्कत है कि ये परेशान होती है और शी कंप्लेन्स टू मी, मतलब आई मैनी टाइम्स से हर टू दैट यू आर एजुकेटेड, यू कैन मैनेज बाय योरसेल्फ, कि आप खुद ही बात कर लो मेरे मदर इन लॉ से और खुद ही आप सॉल्यूशन निकाल लिया करो, आपको जो बुरा लगता है आप क्लियर बोल दिया करो। बट वो उनको कुछ नहीं कहती और वो मुझे ही कंप्लेन करती, और मैं इस कारण मैं भी थक गया हूँ सुन सुन के, कि अब वो जॉब करना भी चाहती थी और उसने जॉब छोड़ दी, वो बोलती तो कुछ नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम है, मतलब आपको फील होता है कि अपना आपका करियर पे ब्रेक लग गया? तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मुझे वो चीज़ फील नहीं होती, आखिर ये मेरी फैमिली है एंड दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों को देखना, फैमिली को और मेरे इन लॉज और हस्बैंड को देखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये उस लेडी ने मुझे बोला। फिर उसके बाद में उसके हस्बैंड ने फिर उसका हस्बैंड स्टार्ट हो गया कि ये बोलती तो कुछ नहीं इस चीज़ को लेके, लेकिन जैसे जब टाइम पे नहीं हो पाता कुछ या लेट हो जाती हैं तो मेरी मम्मी चिल्लाती हैं, डांटती हैं या कोई बात होती है तो तब भी ये तब तो चुप हो जाती, कुछ बोलती नहीं, बट रूम में जब आते हैं तो फिर मुझे बोलती है। तो इनको खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए ना, सास बहू को, मैं मुझे क्यों ये हमेशा परेशान करती रहती है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप नहीं कर पाते मैनेज घर का सारा, बच्चों को देखना, तो आप क्यों करते रहते हो फिर सब कुछ? तो बोलती है कि जब तक कर रही हूँ तब तक कुछ मेरी वैल्यू है, नहीं करूँगी तो क्या रह जाएगी डॉक्टर साहब, और फिर मेरी तो जिम्मेदारी है घर परिवार, घर को देखना, बच्चों को देखना, तो ये तो मैं ऐसे मदर इन लॉ को तो मुंह पे नहीं बोल सकती ना, मेरी तबीयत ख़राब होती है या कुछ, तो मैं नहीं बोल सकती ना, वो बड़े हैं और ये संस्कार नहीं है ना ऐसा, मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, तो इसलिए आई फॉलो हर एंड इसलिए फिर मैं इनको बोलती हूँ। तो दिस वॉज द सिंपल केस। अब यहाँ पे उस लेडी ने अपनी जॉब छोड़ी, ठीक है, बट उसने जॉब छोड़ने के बाद में वो उसने ये चीज़ हस्बैंड को नहीं बार बार बोला या नहीं कहा कि उसने जॉब छोड़ी, तो इसका मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट सो एम्बिशियस, क्योंकि अगर एम्बिशियस होती तो वो जॉब नहीं छोड़ती, और अगर वो जॉब छोड़ती तो उसको ये चीज़ हर्ट होती, वो फील करती कि मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा करियर स्पॉइल्ड हो गया, आई वॉज़ वर्किंग इन बैंक, आई वॉज अर्निंग गुड, और वे इस बात को लेके कंसर्न होती तो हस्बैंड को बोलती, बट उसने इस बात को लेके नहीं बोला, तो इसका मतलब दिस जो ये रेमेडी है इट इज़ नॉट इन एम्बिशन। बट अब इस लेडी ने क्या कहा कि ये मेरी ड्यूटी है फैमिली को देखना, इन लॉस को देखना, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने ये चीज़ बोली। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, रेगुलर कुछ ना कुछ उसकी मदर इन लॉ टोन कर रही है, बोल रही है, और वो परेशान होती है और वो मदर इन लॉ को कुछ कह नहीं पाती, और हस्बैंड को आके कंप्लेन, जब हस्बैंड घर आता है तो हस्बैंड को कंप्लेन करती है बिकॉज ऑफ द मॉरल्स। क्या कहा कि संस्कार, अच्छा नहीं लगता मैं
छोटी हूँ वो बड़े हैं, तो दिस इज़ वॉट मॉरलिस्टिक रेमेडी है। देन ड्यूटी, उसने क्या बोला कि मैं ड्यूटी कर रही हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने एक रूब्रिक लिया, ड्यूटी टू मच सेंस, अरे जब थक गई, नहीं हो पा रहा, तबीयत ठीक नहीं है, लेट हो रहा है लंच डिनर, आप बोलो मदर इन लॉ को, आप हस्बैंड को बोलते रहते हो, आप डायरेक्टली बोलो, उनसे बात करो, नहीं, क्योंकि संस्कार हैं, मॉरल्स हैं। एंड ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, मतलब तबीयत खराब है तो भी करना है, तबीयत खराब होते हुए भी आपको लंच प्रिपेयर करना है, डिनर बनाना है, कोशिश कर रहा हूँ आपके टाइम से हो सब कुछ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है और ये संस्कार है। तो एक चीज़ माइंड में, जब एक मैं केस ले रही थी तो मेरे दिमाग में कार्सिनोसिन भी आई कि कार्सिनोसिन जैसे होता है ना प्लीजिंग डिज़ायर, बट उसने ये चीज़ कहीं भी केस में बोली नहीं कि उसको तारीफ नहीं मिल रही या वो मदर इन लॉ नुक्स निकाल देते हैं खाने में या तारीफ़ नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो पूरे केस में क्या घूम रहा था, ड्यूटी, ठीक है, संस्कार, राइट रॉन्ग, कि अच्छा नहीं लगता, मैं छोटी हूँ वो बड़े हैं। देन क्या बोला कि मैं काम करती जा रहूँगी तब तक ही तो मेरी वैल्यू है ना, मतलब फिर क्या, फिर तो मेरी वो है ही नहीं। तो ये क्या है, दिस इज़ फियर इन वैलिडिटी, शी मे लूज हर वर्थ, उसको डर है कि मेरी जो वैल्यू है वो ख़त्म ना हो जाए, फियर इन वैलिडिटी, मैं पुरानी ना हो जाऊँ, मैं वर्थलेस ना हो जाऊँ, शी मे लूज हर वर्थ, दैट्स वाई शी इज़ डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, She is alert to likes and dislikes of family. मदर इन लॉ को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, सो दैट्स वाई शी इज़ डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ हर फैमिली एंड शी इज़ ट्राइंग टू मैनेज ऑल द थिंग्स, डांसिंग एम्यूरेशन, सबकी सबको मैनेज करने के लिए एक घर में हार्मनी, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, उसने क्या बोला, मेरी ड्यूटी है, संस्कार, मैं छोटी हूँ ये मेरी ड्यूटी है। उसने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, इतनी लुक्रेटिव जॉब थी जो शी स्विच्ड ऑफ दैट बिकॉज ओनली ऑफ टू मैनेज हर किड्स फैमिली इन लॉज। तो दिस इज ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी। देन यहाँ पे आई वुड लाइक टू डिफ्रेंशिएट इट विद स्टेफिस एग्रिया। अगर वो हस्बैंड को नहीं बोलती होती, यहाँ तो वो हस्बैंड को कंप्लेन कर रही है ना, अगर वो हस्बैंड को कंप्लेन नहीं कर रही होती, गुस्सा सप्रेस कर रही होती, तो हम स्टेफिस एग्रिया सोचते, और अगर वो एम्बिशन नहीं छोड़ती, तो अभी आई वुड लाइक टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू रेमेडीज, इग्निशी एंड स्टेफिस एग्रिया, बोथ आर इन मॉरल्स, ठीक है, दोनों ही मॉरलिस्टिक रेमेडी हैं, दोनों में ही एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन एंड इंडिग्नेशन है, इंडिग्नेशन जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इंसल्ट हो गई है, जहाँ पे उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, बिकॉज बोथ आर डिग्निफाइड रेमेडीज, बट स्टेफिस एग्रिया इज इन एम्बिशन, एम्बिशन फॉर फेम एंड एम्बिशन इंक्रीज्ड, ठीक है, उसको लगता है कि मेरी इम्पोर्टेंस तभी है जब तक कि मेरा कुछ नाम है। स्टेफिस एग्रिया इज ईगोस्टिक रेमेडी, ठीक है, देर इज एम्बिशन फॉर फेम, उसको मेन ये रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या मेरे लिए सोचेंगे, बट इग्निशिया में ऐसा नहीं है, इग्निशिया जो करती है ना दिल से करती है, दैट्स वाई स्टेफिस एग्रिया इज कोवर्टाइज। अभी अगर इग्निशिया जो है ना, इग्निशिया अपनी मदर इन लॉ से डर के नहीं जवाब दे रही, ठीक है, इग्निशिया जवाब इसलिए नहीं दे रही अपनी मदर इन लॉ को, क्योंकि उसको संस्कार का है, मॉरल्स का है, इसीलिए उसने कहा ना, उस पेशेंट ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, संस्कार में नहीं होते ना ऐसे, तो मैं बहू हूँ, तो ये क्या है, मॉरलिस्टिक। स्टेफिस एग्रिया जो है ना, वो कोवर्डाइज है, वो देखता है कि
उसको मेन होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ या बाकी फैमिली में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज क्या रहेगी, ठीक है, एम्बिशन एंड सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, देन इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट इग्निशिया. बट यहाँ पे इग्निशिया जो है ना कोवर्डाइज नहीं है, बट वो इसलिए चुप हो जाती है सही गलत के कारण. वो उसके लिए मेन ये रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, मॉरलिस्टिक क्या राइट है, मॉरलिस्टिक क्या रॉन्ग है, वो वहाँ पे स्टैंड लेती है. अब यहाँ पे वो उसको लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके मदर इन लॉ इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही, बट दैट ऑल्सो शी इज़ क्वाइट इन फ्रंट ऑफ हर मदर इन लॉ बिकॉज ऑफ हर मॉरल्स, एंड दैट्स वाई शी इज़ कंप्लेनिंग टू हर हस्बैंड, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मदर इन लॉ के सामने बोलते हुए. So this is the main difference. Now, duty, too much sense of duty, responsibility, taking too seriously. But Steffi Segria is not in any rubric of duty. Steffi Segria अपना ambition नहीं छोड़ेगा. Steffi Segria is not in any rubric of duty. Escape, attempts to escape, estranged family from. ये अगर Steffi Segria होती है जॉब नहीं छोड़ती, अवॉइड करती, सेल्फ डिनाइल करती, एस्ट्रेंज करती फैमिली से, ये कुछ और ये बैंक में ना वर्क करती रहती अपनी इमेज बनाने के लिए, एम्बिशन को पूरा करने के लिए. बट यहाँ इसने जॉब छोड़ दिया, ठीक है, और जॉब के अलावा भी ये फैमिली से और दूर दूर रहती. बट यहाँ इसने क्या सोचा, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनकी स्टडीज़ नहीं ख़राब होनी चाहिए हैं, टाइम से मेरे इन लॉज को खाना मिलना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है. सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस इन Steffi Segria एंड इग्निशिया. इनडिफरेंस फैमिली टू हिज, Steffi Segria इज इन इनडिफरेंस टू फैमिली हिज. सो जब मैंने ये रेमेडी, जब ये मेरे पास पेशेंट आया, तो मुझे सीपिया की भी फीलिंग आई थी, क्योंकि वो थोड़ा सा पुअर स्टेट था उसका, तो सीपिया का भी मुझे लग रहा था. बट जब उसने बोला ना कि संस्कार अच्छा नहीं लगता, बहू ऐसे बोले तो मैं उनको कैसे बोलूं, और जब दोबारा उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ा है, वो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपनी फैमिली के लिए छोड़ा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये बच्चे, ये फैमिली मुझे मैनेज करनी है, मेरे लिए बच्चे पहले हैं, तो तब भी सीपिया मेरे माइंड में आई थी. बट उसने क्या बोला, ये मेरी ड्यूटी है. तो सीपिया जो है ना, वो उसको एंग्जाइटी फॉर चिल्ड्रन रहता है, बट यहाँ जो इग्निशिया है ना, इग्निशिया को मेन कंसर्न रहता है ड्यूटी एंड मॉरल्स का. एंड ऑल्सो इग्निशिया का क्या होता है कि डिल्यूशन मैरिज्ड शीज ओनली रेमेडी इग्निशिया. सो इग्निशिया के साथ अगर कुछ गलत होता है ना, अगर हस्बैंड भी कुछ रॉन्ग कर रहा है या आईपीआर से कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो स्पेशली अपना पूरा एफर्ट लगाएगी उस बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज शी इज़ इन डिल्यूशन मैरिज्ड शी इज़, कि शादी जो है ना वो 7 जन्मों का सफ़र है, मुझे अपना कमिटमेंट पूरा करना है. अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं करेक्ट करके दिखाऊंगी, बट मुझे ये रिश्ता नहीं तोड़ना, मुझे ये रिश्ता निभाना है. तो अभी क्या हुआ, शादी सिर्फ हस्बैंड से नहीं होती, उस पूरी फैमिली से, तो यहाँ पे क्या डिस्टर्बेंस हो रही है मदर इन लॉ से. बट देन ऑल्सो शी इज़ मैनेजिंग ये कमिटमेंट समझ के, वो पूरा मैनेज कर रही है, क्योंकि डिल्यूशन शी इज़ मैरिज्ड इन, उसने जो ये रिलेशन मेंटेन करना है, वो दूसरों में कमी या फॉल्ट नहीं फाइंड कर रही, वो खुद ही ड्यूटी समझ के सब कुछ कर रही है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है इग्निशिया में, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कमिटमेंट. सो शी विल बियर ऑल सफरिंग विदाउट आउटरेज, एंड शी हैज़ हाई पेन थ्रेशोल्ड है, क्योंकि उसको लगता है मैंने कमिटमेंट जो किया है मुझे ये पूरा करना है. सो दैट्स वाई शी इज़ इन रूब्रिक डिल्यूशन मैरिज्ड शी इज़, एंड फियर इन वैलिडिटी, शी मे लूज हर वर्थ. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट. आपके कमेंट्स एंड लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम ये नॉलेज शेयरिंग का जो ये जर्नी है, आई विल ऑलवेज कंटिन्यू दिस.
सो अभी के लिए बाय।